हेलो फ्रेंड, आज सी प्रोग्रामिंग में आप लोग को बताएंगे कि कैसे हम सी प्रोग्राम को रन कराते हैं। वो सी प्लस प्लस को ओपन कर लेंगे, अल्ट के साथ इसको इंटर कर लेंगे। तो फर्स्ट प्रोग्राम हमारा रहेगा, कांस्टेंट प्रोग्राम रहेगा, माँ कामाख्या कंप्यूटर इंस्टीट्यूट आपका शो होगा। तो उसके लिए सर्वप्रथम उससे संबंधित हम हेडर फाइल जोड़ेंगे, इंक्लूड stdio.h। इसके पश्चात इंक्लूड conio.h वाइड मेन ओपनिंग ब्रेसेस clrs। हेलो फ्रेंड, इस clrs फंक्शन स्क्रीन को क्लियर करने के लिए यूज किया जाता है। इंक्लूड stdio.h का अर्थ होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, इंक्लूड conio.h का कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल होता है। प्रत्येक प्रोग्राम में हम एक मेन फंक्शन से स्टार्ट करते हैं। इसके पश्चात ओपनिंग ब्रेसेस और क्लोज ब्रेस के बीच में जो भी हम स्टेटमेंट लगाते हैं उसको हम सेमी कॉलन से टर्मिनेट करते हैं। सेमी कॉलन कंपाइलर को बताता है कि यहाँ से हमारा लाइन टर्मिनेट हो रहा है। इसके पश्चात प्रिंट अप और लिखेंगे ये क्या, हेलो माँ कामाख्या कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, लिखेंगे क्या माँ कामाख्या कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, और इसके बाद सेमी कॉलन। इसके बाद गेट फंक्शन getcch क्या यूज करेंगे, getcch गेट फंक्शन। गेट फंक्शन इसलिए यूज करते हैं क्योंकि आउटपुट के स्क्रीन को रोकने के लिए। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, रन पर जाएंगे इसको, सॉरी कंपाइल पर जाएंगे, इसको कंपाइल करेंगे। यहाँ से हमारा इरर आया 0। इसके पश्चात हम रन करेंगे कंट्रोल प्लस F9 से, माँ कामाख्या कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, ये स्क्रीन रुक स्टॉप है। इसलिए स्टॉप है क्योंकि हम गेट फंक्शन यूज़ किए हैं। जैसे यहाँ से हम क्लियर स्क्रीन फंक्शन को एडिट कर दे रहे हैं, यानी रिमूव कर दे रहे हैं, पुनः रन कराएंगे तो पहले का जो माँ कामाख्या कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है वो आपको क्लियर नहीं किया है। यानी क्लियर स्क्रीन फंक्शन क्यों यूज़ करते हैं, स्क्रीन को सा क्लियर करने के लिए, क्या करने के लिए, स्क्रीन को क्लियर करने के लिए, स्क्रीन को क्या किया, यहाँ से क्लियर किया। इसके पश्चात अगर हम गेट फंक्शन यूज नहीं करते हैं तो आउटपुट स्क्रीन को स्टॉप नहीं करता है, आउटपुट स्क्रीन को टॉप नहीं करता। getcch स्क्रीन को स्टॉप करने के लिए हम गेट फंक्शन यूज करते हैं। गेट फंक्शन और क्लियर स्क्रीन फंक्शन यूज करने से पहले कोनियो डॉट एच यूज करते हैं। प्रिंटर फंक्शन और स्कैनर फंक्शन यूज करने से पहले stdio.h यूज करते हैं। तो फर्स्ट हमारा प्रोग्राम था माँ कामाख्या कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, यानी इस प्रोग्राम में आप लोगों को बताए कैसे हम प्रोग्राम को रन कराते हैं। तो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। तो आज का वीडियो कैसा लगा नीचे जाइए और कमेंट करिए। थैंक यू।